एनजी न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, पंचायती चुनाव का माहौल है वो चला हुआ है। वार्ड नंबर एक के जो गांव पड़ते हैं उसमें गांव पिपलथा में पहुंचे हैं, जहां पर लोगों से बातचीत करेंगे आखिर किस जिला परिषद का माहौल है। लेकिन बात करें, यहां पर हमें मिल चुके हैं कश्मीरा हसडैर, जिनकी एक आंधी चली हुई है इन गाँव के अंदर। आखिर ये आंधी जो चली हुई है ये सब कुछ उड़ा लेकर जाएगी, कैसे लेकर जाएगी, कश्मीरा हसडैर से बातचीत करेंगे। आपका आपकी बधाई के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और मैं आपका स्वागत भी करता हूं। आप मेरे जिला परिषद जींद के वार्ड नंबर एक में आए, आपका स्वागत है और आपका हार्दिक अभिनंदन है। कश्मीरा जी, आपके मन में क्यों आया कि चुनाव जिला परिषद का लड़ा जाए? क्या लोगों की डिमांड के अनुसार ही आप चुनाव मैदान में उतरे हैं? देखिए, जिला परिषद का चुनाव एक वो कड़ी है, अगर आप सामाजिक समस्याओं के साथ लगातार रूबरू होते हो तो आपको उन सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए कहीं ना कहीं आपको सिस्टम के अंदर एंट्री बहुत ज़रूरी है। अगर आप व्यवस्था के अंदर अपना प्रवेश पा लेते हो और प्रशासनिक सिस्टम में आपकी उपस्थिति रहती है तो आप जिन समस्याओं को लेकर आप सड़क पर संघर्ष करते हो उन समस्याओं को अपने तरीके से आप उनको हल करने के लिए आपको जगह मिल जाती है, आपको तरीका मिल जाता है। ये जिला परिषद हो या ब्लॉक समिति हो, सरपंच हो या कोई भी चुनाव है, निकाय चुनाव हो या ग्रामीण पंचायत का चुनाव हो, ये तरीके हैं लोगों की समस्याओं को, ग्रामीण अंचल की समस्याओं को, ग्रामीण विकास को और ज़्यादा बेहतर तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए, ग्रामीण विकास को सही ढंग से करने के लिए ये एक चैनल है। ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, जो ग्राम से ग्रामीण अंचल की समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन के सामने अपनी बात रखते हैं। मीरा जी, क्या मुद्दे रहेंगे आप लोगों से वोट मांगने जब जा रहे हो, क्या मुद्दों के साथ वोट मांग रहे हो? हम जो मुद्दे हैं हमारे, मैंने अपना सबसे पहले घोषणा पत्र मैंने रिलीज किया था और मेरे जो मुद्दे हैं जो हमारे घोषणा पत्र के अंदर बाकायदा हमने उनको लिखा हुआ है कि हम लाइब्रेरी, हर गांव के अंदर लाइब्रेरी, हर सरकारी स्कूल के अंदर स्मार्ट लैब, हर सरकारी स्कूल को सोलर पैनल की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, महिला बच्चों के लिए अच्छे फर्नीचर की व्यवस्था, पानी की निकासी की व्यवस्था, गांव के अंदर सीसीटीवी की व्यवस्था, ठीक है, हर जैसे ये सामुदायिक भवन है, हर सामुदायिक भवन को दो साल बाद अनुदान की व्यवस्था, हमारे ये मुद्दे रहेंगे जो हम उन मुद्दों को ग्राउंड पर धरातल पर लागू करने का भी प्रयास करेंगे अगर हमें जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलता है। किसान आंदोलन में एक महीने आपने काम किया, लगातार वहाँ पर ड्यूटी भी देते थे, ऐसे में क्या लगता है कि किसान आंदोलन का फायदा भी आपको इस चुनाव में होने वाला है? देखिए, हाँ, ये क्लियर है, जो किसान आंदोलन चला था वो किसी एक जाति वर्ग का आंदोलन नहीं था, वो एक बदलाव और एक जो तानाशाही सरकार के जो फैसले हैं उनके खिलाफ ये आंदोलन चला था और इस आंदोलन के अंदर सर्व समाज की भागीदारी सुनिश्चित रही है। ये एक लड़ाई थी जमीनों वालों की भी थी और जमीरों वालों की भी थी। ये लड़ाई थी अपने आने वाले भविष्य को सुरक्षित करने की। ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है, ये आगे भी चलेगी, लेकिन इस जो लड़ाई में जो मेरी उपस्थिति रही है वो केवल इसलिए रही है, इसका राजनीतिक कोई रूप नहीं था, इसका राजनीतिक कोई स्वार्थ नहीं था। मेरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ सरकार से अपने हकों के, अपने अधिकारों के, अपनी फसल और नस्ल और ज़मीन और हमारे छोटे छोटे बच्चों की आने वाले भविष्य को बचाने के लिए मेरी भागीदारी रही थी। और मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे जो हमारे जो ये किसान वर्ग है, जो जमींदार वर्ग है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे आज मेरे को उस जो मैंने किसान आंदोलन के दौरान जो मेरी भागीदारी रही, जो मेरा संघर्ष रहा, जो मेरा साथ रहा, उसका ये मेरे को आज आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं इसके लिए भी वोट डालने के लिए मुझे 35 और 50 लाख के बीच में ऑफर किया गया था कि आप हमें वोट दीजिए। अच्छा जी, हम आपको 35 और 50 लाख के बीच में, यानी 50 लाख की जो ऑफर था वो भी ठुकरा दिया। तो भाई, इंसान का असली पता यहाँ पर चलता है, क्योंकि वोटों के अंदर पैसे तो लगते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उसकी रियलिटी का तब पता चलता है जब जीत कर वो व्यक्ति जाता है और उसको
देखो जब ऑफर आता है बड़े नोटों का, एक टैची भरी हुई नोटों का, तो कहीं ना कहीं वो भी ठुकरा दिया जाता है। रियलिटी वहाँ पर पता चलती है, ग्राउंड लेवल पर वहाँ पर असली आदमी का पता चलता है कि आदमी के अंदर कितना बड़ा सहनशीलता और कितना बड़ा स्वभाव है और कैसा उसका व्यवहार है। ऐसे में वार्ड नंबर एक के सभी गाँव के लोग जो आपको देख रहे, जो वोटिंग करेंगे आपके चेहरे को देखकर, तो ऐसे में क्या अपील करना चाहेंगे? मैं मेरे वार्ड नंबर एक के सभी सर्व समाज के लोगों से, बड़ों से, बुजुर्गों से, नौजवान युवाओं से, माता बहनों से मैं अपील करना चाहूँगा कि आप मेरी ईमानदारी को देखते हुए, समाज के प्रति मेरी जिम्मेवारियों को देखते हुए, समाज के प्रति मेरी वफादारी को देखते हुए, समाज के प्रति मेरे संघर्ष, मेरे जुनून, मेरी काबिलियत को देखते हुए आप मुझे कल 30 तारीख को सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू है और आप मेरे जिला परिषद जिंद वार्ड नंबर एक के चुनाव चिन्ह जग जो सीरियल नंबर 1A के ऊपर है। क्या बात है, एक नंबर मिल गया, एक नंबर पे है ओ भाई, ये तो बड़ी गजब की बात है भाई। कश्मीर राज डायर को जो जग का निशान मिला है वो नंबर एक पर है, तो कहीं ना कहीं इसका भी बहुत फायदा होगा भाई। बिल्कुल बिल्कुल, कई बार जाते हैं लोगों को पता नहीं होता तो पहले नंबर पे भी। बिल्कुल बिल्कुल सर, रहेगा इसका, ये तो आशीर्वाद है, ये कुदरत का भी आशीर्वाद है और ये मतदाताओं का भी आशीर्वाद है कि मुझे ये आप जैसे साथियों का और मेरे बुजुर्गों का ये आशीर्वाद है कि मुझे पहले ही। मैं ब्लॉक समिति मेंबर था और कश्मीरा जिला परिषद था, तो उस टाइम मेरे को अजय भाई, अजय सिंह ने हमारे से वादा किया था, फिर मैं अजय भाई साहब से भी निवेदन करता हूँ, जसंत से भी मेरी आवाज़ उन तक पहुँचनी चाहिए और मारे को जो पद मान सम्मान मिलना चाहिए नौकरी का, उन्होंने वादा किया था अजय सिंह ने भी मैं आपके नौकरी लगाऊंगा और मैं मान सम्मान, हमारे को अभी तक मान सम्मान नहीं मिला। मैं ये भी कहता हूं भी अब भी मेरी आवाज़ अजय सिंह के पास जानी चाहिए और कश्मीरा की भी मारा मान सम्मान वापस करें। कश्मीरा जी एक बार आ जाओ, सारे एक बार पीछे आ जाओ भाई, आशीर्वाद आशीर्वाद दे दिया गांव ने, मीठा मुख रह दिया, इसका मतलब मीठा मुख रह दिया यानी के जिला पक्की है, पक्की जीत है भाई। एक बार नु कर दे, नु कर दे, क्या बात है भाई, ताड़ी बजा दे एक बार, ले भाई जीत की खुशी है भाई। ये होती है भाई जीत की खुशी, जलेबी खिलाई जा रही है, मीठा मुंह किया जा रहा है, यानी कि लोगों ने इस गांव से जो जीत निश्चित कर दी है और बाकी गांव जो पढ़ते हैं वहां पर भी लोगों का समर्थन ले रहा है भाई कश्मीरा हासडेर को, क्योंकि दूसरा व्यक्ति नहीं है इसके टक्कर में। ऐसा ही कुछ है भाई साहब, किसके टक्कर मानते हो? मेरी टक्कर मेरे साथ ही है। अच्छा, खुद ही के साथ है। हाँ, मैं अपने आप को काबिल, मैं अपने आप को साबित करने की कोशिश में हूँ और व्यक्ति को ना अपने आप को साबित करना चाहिए, साबित करना चाहिए। अच्छा नागरिक साबित करने की टक्कर होनी चाहिए आदमी को। अगर आप किसी और से टक्कर कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल से हमें किसी का टक्कर एक अच्छे नागरिक की जिम्मेवारी बनती है, किसी को भी अपनी टक्कर में ना समझे, क्योंकि टक्कर किसके साथ है? टक्कर तो दुश्मन के साथ होती है, दुश्मन थोड़ी है हम लोग, सारे दोस्त हैं, सारे भाईचारा है अपना। ये है पढ़े लिखे व्यक्ति की एक बातचीत जो आती है सामने, कहीं ना कहीं लोग इन्हें इन्हीं बातों के कारण पसंद करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो 50 लाख को ठोकर मारने वाला है तो वो आपके सामने चुनाव लड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी ईमानदारी अब आपके सामने आ चुकी है, तो आपने तय करना है कि अब मोहर कहाँ लगानी।